बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ शमा असलम। आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ नियरटिक रीजन के बारे में। नियरटिक रीजन, नियरटिक जो रीजन है ना, वो सारा का सारा कवर है नॉर्थ अमेरिका यूएसए, और एक्सटेंड किया हुआ है साउथ से एज फार एज मिडल ऑफ मेक्सिको। ठीक है, इसमें जो है ना सारा का सारा ग्रीन लैंड इंक्लूड है। इट आल्सो इंक्लूड्स द होल ऑफ द ग्रीन लैंड। किसकी अगर हम बात करें, इसकी एक्सटेंड होने की बात करें, एक्सटेंड इसमें बेसिकली क्या आ जाता है जी, कवर्स द होल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कवर्स द होल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसे सारे के सारे जो नॉर्थ अमेरिका ना, उसको कवर किए हुए हैं। ठीक है, यानी कि यू एस ए दूसरे लफ्जों में, और ये एक्सटेंड किया हुआ है साउथ की तरफ, और यहाँ तक कि ये जो है ना मेक्सिको के मिडल तक पहुंचा हुआ है। इसकी रेंज मिडल इन मेक्सिको। ठीक है, इसमें सारा का सारा जो ग्रीन लैंड इसमें इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ ग्रीन लैंड, इंक्लूड्स होल ग्रीन लैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके फिजिकल फीचर्स के हवाले से जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करती हूँ, ये बेसिकली किस तरह से जो है ना वो फैला हुआ है। ये अगर हमारे पास है पहला आर्कटिक रीजन, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन है, ये है ओरिएंटल, ये इथोपियन, ये है नियरटिक, और ये न्यू ट्रॉपिकल, और यहाँ पे हमारे पास है ओशनिक। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या हमारे पास मौजूद है, नियरटिक, ये है ओशनिक, और ये है न्यू ट्रॉपिकल पहला आर्कटिक। ये जो लास्ट वन है, इस ये हमारे पास ऑस्ट्रेलियन रीजन है, ओरिएंटल, और ये इथोपियन। ये बेसिकली वर्ल्ड मैप है डिफरेंट रीजन्स का। तो आप लोगों को जो न्यू नियरटिक रीजन नज़र आ रहा है वो ये है बेसिकली। इसने सारे के सारे जो नॉर्थ अमेरिका है उसको कवर किया हुआ है। ठीक है, और एक्सटेंड किया हुआ है मेक्सिको के मिडल तक। सारी की सारी जो है ना ग्रीन लैंड इसमें इंक्लूडेड है। फिजिकल फीचर्स के ऊपर बात करते हैं, फिजिकल फीचर्स, एंड क्लाइमेट। ये जो नियरटिक रीजन है ना, उसको रिप्रेजेंट किया गया है मुख्तलिफ तरह की फिजिकल फीचर्स के हवाले से। ये जो ग्रीन लैंड है ना, वो मुकम्मल तौर पर आर्कटिक है। ठीक है, और कम्प्लीटली तौर पर जो है ना वो आइस की जो मैस है ना, उसके नीचे धुसी हुई है, और जिसकी जो मोटाई है ना वो अभी तक नहीं जानी गई। ठीक है, ग्रीन लैंड इज इन टायरली मुकम्मल तौर पर आर्कटिक है, आर्कटिक है, और ये क्या है, ब्यूरिड है, मुकम्मल तौर पर ये दुसी हुई है, और उस आइस में दुसी हुई है जिसकी गहराई जो है वो अभी तक अननोन है। जबकि नॉर्थ अमेरिका का अगर वेस्टर्न पार्ट देखा जाए, किसका, नॉर्थ अमेरिका का अगर हम लोग कौन सा पार्ट देखें, ईस्टर्न पार्ट, तो उसमें जो है वो डिसीडियस फॉरेस्ट उसमें मौजूद है। उसमें क्या मौजूद है, मिक्स्ड, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं डिसीडियस, डिसीडियस फॉरेस्ट जो है ना इंक्लूडेड है। ये देखें,
अगर ये है आपके पास जो है ना निरैक्टिक रीजन है ना, तो जो इसका ये वाला हिस्सा है वो होगा ईस्ट एंड द अदर इज द वेस्ट। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये नॉर्थ पोर्शन है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये वेस्ट है, ये साउथ है एंड दी इज दी ईस्ट। अब जो है ना नॉर्थ, मैंने कहा ये सारा का सारा इससे तकरीबन जो है ना नॉर्थ अमेरिका को होल कवर किया हुआ है न्यूरेटिक रीजन में। तो अब बात की जा रही है जो नॉर्थ अमेरिका की जो ईस्टर्न पार्ट है ना उसकी बात की जा रही है, जिसके पास क्या है जी मिक्स्ड और डिसीडियट फॉरेस्ट मौजूद है। जबकि जो मिडिल पार्ट है ना नॉर्थ अमेरिका का जो मिडिल पार्ट है वो ग्रासलैंड से मिलके बना हुआ है। मिडिल पार्ट किससे मिलके बना हुआ है, ये ईस्टर्न पार्ट की बात हुई है, अब मैं नेक्स्ट मिडिल पार्ट की बात कर रही हूँ। मिडिल पार्ट में क्या है जी ग्रीन लैंड मौजूद है, ग्रास लैंड मौजूद है। नॉर्दर्न रीजन देयर इज अ ग्रेट स्ट्रेच ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट, किसकी बात की जा रही है नॉर्दर्न रीजन में। नॉर्थ पार्ट भी हो गया, ठीक है, और इसकी में क्या इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि वहां पे क्या मौजूद है, ग्रेट स्ट्रेच ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट मौजूद है। नॉर्दर्न पोर्शन में जब विंटर की टेम्परेचर के अंदर जो है ना वो बहुत कम विंटर का टेम्परेचर हो जाता है, देन इज फाउंड एट अ कोरस्पॉन्डिंग लैटिट्यूड इन यूरोप। क्लियर है ये चीज़ कि इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर बढ़ जाता है कि जो यूरोप में लैटिट्यूड है ना उसमें भी जो है ना उससे रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। जो लाइफ है ना जिंदगी वहाँ पे उस रीजन में बहुत कम पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना चंद अदद जो एनिमल्स हैं ना वो इस रीजन में भी जो है ना फ्रोजन सॉइल में सर्वाइव की होती हैं। लाइफ क्या है इसमें, लाइफ इज वेरी स्कार्स, बहुत कमी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके जो है ना बहुत कम जो है ना वो वहाँ पे एनिमल्स जो है ना एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके जूलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं, किसके रिलेटेड बात होने लगी है, जूलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात होने जा रही है। इसके अंदर अगर ट्रस्टियल वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो 120 फैमिलीज आ जाती हैं। ट्रस्टियल वर्टिब्रेट्स कितनी फैमिलीज आ जाती हैं इसमें, 120 फैमिलीज आ जाती हैं, ठीक है। अब इस 120 फैमिलीज में से जो है ना मैमल्स जो हैं वो 26 हैं, 26 मैमल्स की फैमिलीज हैं, ठीक है। जबकि अगर बर्ड्स की बात की जाए तो उसमें 59 फैमिलीज आ जाती हैं। रेप्टाइल्स के केस में रेप्टाइल्स के केस में 21, ठीक है, एम्फीबियंस में 14, एम्फीबियंस के केस में क्या आ जाती हैं 14 फैमिलीज आ जाती हैं। ऑफ दीज 5 जो फैमिलीज है ना वो पिक्युलर और इंडेमिक हैं इस रीजन के अंदर। ये क्या है, 5 फैमिलीज जो है ना वो इंडेमिक हैं और ख़ास किस्म की हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर मैं मैमल्स को देखूं जिसमें आ जाते हैं हैप्लोसीरियस, इनके रॉकी गॉड्स एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहले मैमल्स को हम लोग देखते हैं, मैमल्स को देखें तो उसमें क्या आ जाता है जी, हैप्लोसीरियस जिसमें रॉकी गॉट है, रॉकी गॉट है, ठीक है, ओवी बस इसमें है, मस्कॉक्स, ठीक है, बाइसन है, अमेरिकन बैफलो इंक्लूडेड है इसमें, अमेरिकन बैफलो,
क्या आ जाती है इसमें अमेरिकन बैफलो आ जाती है। ठीक है, अर्सिस इसमें बियर है, इसमें क्या आ जाती है बियर। जबकि अगर हम लोग नेक्स्ट देखें कैरिबो में तो उसमें रेनडियर आ जाती है। मैं सारी फैमिलीज आपको लिख देती हूँ, कैरिबो में रेनडियर आ जाती है, वो भी बहुत ज्यादा इसकी एग्जांपल्स आ जाती है मैमल्स की। ठीक है, अगर हम लोग बर्ड्स के हवाले से देखें, नेक्स्ट मूव करती हूँ फॉरवर्ड, किसकी एग्जांपल देखें बर्ड्स की। बर्ड्स में अगर देखा जाए तो जो है ना वो पिक्यूलर वंस वो है ग्रॉस, GROUSE ग्रॉस, और तुर्कीज। इनके अलावा जो है ना जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बर्ड है इस रीजन के अंदर वो है वुड वार्बलर्स, रेड कार्डिनल्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट बर्ड, इम्पोर्टेंट बर्ड इन दिस रीजन वो कौन सा आ जाते हैं हमारे पास, वुड वार्बलर्स, वुड वार्बलर्स। ठीक है, रेड कार्डिनल्स, कार्डिनल्स। ठीक है, तांगा तांगर्स, हमिंग बर्ड, हॉक, किंगरफिश, ये सारी इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। अगर हम लोग रिप्टाइल्स की एग्जांपल देखें, किसकी रिप्टाइल्स के हवाले से, रिप्टाइल्स में देखा जाए तो क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, स्नैपिंग, मस्क टर्टल्स, ईगोस, स्किन्स, ये सारी की सारी जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्रोकोडाइल्स कुछ एग्जांपल लिख देती हूँ, एलिगेटर्स, ईगोस, स्किन्स, नेक्स्ट एम्फीबियंस के हवाले से देखें तो उसमें जो है ना कंपैरेटिवली रिच फाना पाया जाता है बर्ड्स और रिप्टाइल्स के अलावा। एम्फीबियंस का क्या है रिच फाना, एम्फीबियंस इसमें क्या है जी कंपैरेटिवली रिच फाना पाया जाता है, कंपैरेटिवली रिच फाना। ठीक है, टेल्ड एम्फीबियंस होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, टेल्ड एम्फीबियंस रिच हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सेलेमेंडर्स भी इंक्लूडेड है, फ्रॉग्स और टोड्स हैं ना वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा कस्से से पाए जाते हैं। माउंटेन्स एंड ट्रीज में देखा जाए ना, नॉर्थ वेस्ट यूएसए की अगर माउंटेन्स एंड ट्रीज में देखा जाए तो हम लोगों को खास किस्म के फ्रॉग एस कैफियस नजर आते हैं। दूसरे फ्रॉग से इतना इसके पास भी कोई भी टेल नहीं होती। ठीक है, इनके पास जो होते हैं टेल मैगिक मसल्स होते हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि ये टेल्ड एंसेस्टर्स हैं। ये क्या है, टेल्ड एंसेस्टर्स हैं। इसकी मैं बात कर रही हूँ माउंटेन सिट्रीन्स की, माउंटेन सिट्रीन किसकी, माउंटेन सिट्रीन्स नॉर्थ वेस्ट यूएसए की। वहां पे हम लोगों को क्या नजर आते हैं, खास किस्म के जो है ना फ्रॉग नजर आते हैं, एस कैफिस। दूसरे फ्रॉग की तरह ना इनके पास भी नो टेल। ठीक है, इनके पास अगर टेल नहीं होती तो इनके पास चलने के लिए क्या होता है जी, वैगिंग मसल्स होते हैं।
मसल्स, जो कि किस इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि इनके अंदर जो है ना डिसेंट टेल्ड इंसेस्टर्स, सजेशन दे रहे होते हैं कि डिसेंट फ्रॉम द टेल्ड इंसेस्टर्स, ये कहाँ से आए हुए हैं, टेल्ड इंसेस्टर्स।